डॉक्टर मल्होत्रा, ये बिजनेस नहीं है। और ये टारगेट्स क्या है? ये एक मेडिकल प्रोफेशन है। हम एक ओथ लेते हैं कि हम अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। जहां हम सारे डॉक्टर्स पेशेंट्स की जान बचाने के लिए दिन रात एक करते हैं, वह आप जैसे कुछ डॉक्टर्स अपना टारगेट पूरा करने के लिए झूठ बोलते हैं। इस तरह प्रोफेशनल एथिक्स को तोड़ते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? एग्जैक्टली मल्होत्रा, आपको पता है डॉक्टर हमारे लिए भगवान का रूप होता है। क्यों आप जैसे चंद डॉक्टर्स इस नोबल प्रोफेशन पर कीचड़ उछाल रहे हो? हाँ, ये भी डॉक्टर हैं, लेकिन कितनी शिद्दत से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और एक आप हो, सर्जरी की जरूरत ना होने पर भी आपने फेक रिपोर्ट्स बनवाए, फेक टेस्ट करवाए और सर्जरी का सुझाव दिया। ऑपरेशन ये शब्द सुनते ही हम मिडिल क्लास लोगों की जान निकलती है। मरीज की सेहत, अचानक आए हुए खर्चे, बहुत बड़ा टेंशन होता है मिस्टर मल्होत्रा। लोग अपना घर बार बेचते हैं, जीवन भर की कमाई लगा देते हैं सिर्फ अपने मरीज की जान बचाने के लिए। मिडिल क्लास लोगों के लिए बेबसी और दुविधा का दूसरा नाम है ऑपरेशन। लेकिन आपने कितनी आसानी से कह दिया कि सर्जरी इज रिक्वायर्ड। अब चलिए, ये जुर्म आपने किया है उसके लिए आपका लाइसेंस तो रद्द होकर ही रहेगा। थैंक यू मिस्टर वागले। थैंक यू इंस्पेक्टर। चल गया रे। चलिए। हर्षद भाई से लिए हुए 4 लाख मैंने उनके अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दिए। वेरी गुड। राजू, उसे एक बात कहनी थी। बोलो दादा। तूने जो कुछ भी किया है, जिस तरह से किया है, मुझे तुझ पे गर्व है। मुझे भी। सच कहूं तो राजू, तू इस कलयुग का श्रवण कुमार ही है। थैंक यू दादा, थैंक यू। लेकिन सच कहूं, श्रवण कुमार ना हर किसी को होना चाहिए। जब संतान माता पिता की सेवा करती है, उसे ग्लोरीफाई क्या करना है? मतलब वो फर्ज है ना उसका। माता पिता की सेवा करके हम कोई एहसान नहीं करते उन पर। हाँ, लेकिन पापा, आपको हम सब पे एक एहसान जरूर करना है। एहसान? कैसा एहसान भाई? वो ये है कि आज से, मतलब अभी से, आपको आपके खाने पीने पर कंट्रोल लाना है। डाइट को कंट्रोल करना है, परहेज रखना है। ओके, लकीली कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ी है, लेकिन 20% ब्लॉकेजेस हैं। ओके? और उसके लिए मैं हूँ ना, क्यों चिंता कर रहा है? हाँ, आज से मैं जो कहूंगी ना वो करेंगे, और जो मैं बोलूंगी ना वही खाएंगे। पिछले 46 सालों से तो यही कह रही हो भगवान। डैडी, मुझे भी आपको बताना था कि ये फेक सर्जरी स्कैम के वजह से आप बहुत डिस्टर्ब थे, और इस बात से मैं भी थोड़ी डिस्टर्ब थी। तो मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च किया और मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है मेडिकल इंडस्ट्री, अ बिजनेस यूनिट और अ सर्विस सेक्टर। हाँ, बात है, फैंटास्टिक। अरे वाह, कमाल का डिबेट टॉपिक है सखी। एग्जैक्टली, और इस डिबेट को जेन्युइन बनाने के लिए मैंने कुछ पेशेंट्स के भी इंटरव्यू लिए और डॉक्टर्स की आइडेंटिटी छुपाकर उन्हें भी अपना ओपिनियन रखने के लिए कहा। फैंटास्टिक, लवली, क्या बात। एंड यू नो व्हाट, ये वीडियो पोस्ट करने के बाद मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की हुई, जो विक्टिम बनने वाले लोग हैं वो सतर्क हुए, और जो ये फ्रॉड करते हैं ना वो सावधान हुए। मतलब बेसिकली एक सोशल अवेयरनेस फैली है। यस, क्या बात। दिस प्रूव्स वन थिंग कि हमारा जो समाज है ना, वो अच्छाई और अच्छी बातों को हमेशा सपोर्ट करता है। लेट्स सेलिब्रेट। किसी बात पर एक दावत हो जाए, क्यों राजू? लो, बोले बटूरे हो जाए। वाह पापा, मैं ना आपके लिए छोले भटूरे बनाती हूँ। वंडू, देखिए आज से ना आपको परहेज वाला खाना मिलेगा, जो मैं खिलाऊंगी वही खाइए, समझे? रोटी और छोले? हाँ। छोले नहीं। अरे बोला गणपति बप्पा। यार मैम, गुस्से में क्यों लग रही है? तुम लोगों ने कुछ किया क्या? नहीं, कुछ नहीं किया सर।
अरे नहीं, मैंने तो चेकलिस्ट के सारे काम खत्म कर दिए। आप इतने गुस्से में क्यों लग रही है? मैं गुस्से में नहीं हूँ मिस्टर वागले, मैं बहुत गुस्से में हूँ और कंफ्यूज भी। अभी अभी सीए ने मुझे बताया कि आरडीपीएम प्लास्टिक का लेजर ओपन ही नहीं हो रहा है। मैम वो ऑर्डर जनरेट ही नहीं हुआ है। जनरेट नहीं हुआ था या क्लाइंट हमें मिला नहीं था और आप लोगों ने खुशियां मना डाली। क्या कह रही मैम? मेरी टीम ऐसा नहीं कर सकती है। चंदू कंफर्मेशन ऑर्डर दिखाओ। सर लेकिन वो तो क्लाइंट मार्फत दिया जाएगा था ना। आई नो, नहीं आई मीन बाद में वो क्लाइंट दासानी ने ले लिया था इस वक्त। अरे क्या चल रहा है? तो दासानी, अरे सर मैं अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। हमारे क्लाइंट्स ने हमसे थोड़ा कंसेशन मांगा था तो उन्होंने एक फाइनल फिगर भी सजेस्ट किया था। जो मैंने अप्रूव किया था। हाँ, तो मैंने उनको मैसेज में थम्स अप भेज दिया था। मैसेज मतलब लेटर ईमेल नहीं किया? अरे सर सारा कम्युनिकेशन मैसेजेस के थ्रू हो रहा था तो तभी थम्स अप भेज दिया, उसके बाद मेल भी किया था लेकिन अभी तक मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया है तो मुझे लगता है शायद बिजी होंगे। हो सकता, हो सकता। अच्छा वो दिखाओ मैसेज, दिखाओ। ये रहा मैसेज। मैं कोई झूठ थोड़ी बोलूंगा, पढ़ो ये मैसेज है। दासानी, तुमने थम्स अप के बजाय ये क्या किया तुमने? अब मैंने क्या किया? अरे क्या ये वो अरे थम्स अप भेजने के बजाय ये क्या भेजा? ये कौन सा इमोजी भेजा तुमने दासानी? इमोजी था। अरे इधर आओ ना, इधर आके देखो, ये देखो। हे क्या मिस्टर वागले? मैडम वो, अरे वो क्या वो अरे क्लाइंट को थम्स अप के बजाय कोई ऐसा इमोजी भेजता है क्या? अरे क्या भेज दिया? क्या भेजा ये? क्या है ये? I can explain. क्या है ना कि लेफ्ट हैंड से टाइप कर रहा था तो शायद गलती से मिस्टेक हो गया। राइट हैंड कहाँ बाहर गया था घूमने? नहीं नहीं वो मुझे राइट हैंड मुझे सेव पूड़ी खिलाने में बिजी था। कमाल कर रहे हो तुम। मिस्टर बागले कौन सा इमोजी भेजा दिखाओ मुझे। नहीं वो मैं सॉरी आपको दिखा नहीं सकता। तो बताओ। अरे वो तो बिल्कुल नहीं बता सकता मिस्टर बागले। सबकी जगह गलत फिंगर की इमोजी भेजी है। पकड़ो यार। हाँ सॉरी। देखो। मैं क्या कहता हूँ कि मैं मिस्टर अय्यंगार को भी फोन लगाता हूँ, हाँ उनसे बात करता हूँ। क्या अगर ये बात बाहर फैल गई ना, ये मतलब ये इमोजी वाली बात, तो एक तो कंपनी का नाम खराब हो जाएगा, सेकेंडली लोगों को लगेगा कि P2P के जो एम्प्लॉयज हैं वो क्लाइंट को ऐसे ये वो मतलब वो फिंगर वाली इमोजी दिखाते हैं। तो हाँ बात करूँ मैं। जो करना है करो। हाँ करो जो कर। ये देखो क्या हो गया सब। फोन स्विच्ड ऑफ है इनका। ऑफिस में लगाओ ना सर। हाँ दासानी तुम भी ना कमाल। हेलो हेलो मैम, मैं राजेश वागड़ बात कर रहा हूँ P2P मैक्स से। मुझे मिस्टर अय्यंगार से बात करनी। जी 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 उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, मैंने भी ट्राई किया तो अर्जेंटली बात करनी। क्यों मुझसे बात नहीं करना चाहते? अच्छा मैम एक मदद करेंगे मेरी प्लीज, मुझे एक अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे अय्यंगार सर की? हाँ मैं जरा उनसे पर्सनली मिलकर बात करना चाहता हूँ। प्लीज मैम प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कल सुबह 11 बजे डन डन मैं डॉट पहुंच रहा हूँ 11 बजे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई होप मैं उन्हें समझा पाऊँ कि ये ब्लंडर क्यों हुआ है। इसी उंगली की वजह से हुआ है, यही करनी थी वो दूसरी उंगली। डैडी समर कैंप की फीस भरने की लास्ट डेट है कल। मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था
और ये पूछा था कि मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूं या नहीं, तो तुमने रिप्लाई नहीं भेजा। अरे मैंने रिप्लाई भेजा था, अब मैसेज चेक करो। कहाँ है रिप्लाई? हाँ रिप्लाई तो है, देखो वो थम्स अप इमोजी का मतलब है कि हाँ श्योर, फिर वो जो डांसिंग इमोजी है उसका मतलब कि मैं खुशी से नाच रहा हूँ, फिर तीसरा वो फेस है लव हार्ट्स मींस कि आई लव यू डैडी। और ये रनिंग मैन? वो मैं हूँ, मैं फुटबॉल कैंप में फुटबॉल खेलने के लिए भागते हुए जा रहा हूँ। बेवकूफी की ना हद है ये, सीरियसली एक सिंपल यस टाइप करके भेजने के बजाय तुम ये चार चार इमोजीज भेज रहे हो। आजकल पता है तुम सेंटेंसेस कम और ये इमोजीज ज्यादा भेजने लगे हो। डैडी आपसे ज्यादा दादी अपडेटेड है, देखो उन्होंने आज सुबह मुझे कैसे इमोजी भेजा। सी मैंने उनसे पूछा कि सुबह आपने जो खीर बनाई थी आपने मेरे लिए बचाई कि नहीं, तो उन्होंने मुझे हैमर वाला इमोजी भेजा, समझे? क्या मतलब इसका? मतलब मैंने उनसे क्या पूछा कि आपने मेरे लिए खीर बचाई क्या, हैमर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हथौड़ी, तो हथौड़ी हाँ थोड़ी, समझे दादी स्मार्ट। ये ना आजकल का नया ट्रेंड है, सभी लोग ऐसे बात करते हैं। वाहियात ट्रेंड है ये, सीरियसली सीरियसली वाहियात ट्रेंड है। खीर बचाइए तो हथौड़ी, बड़ा बचा होता तो क्या हथौड़ा। हाँ ये ऐसे ट्रेंड की वजह से ना यहाँ लोगों की नौकरियां खतरे में आ सकती है, लाखों का नुकसान होता है, हाथ आया हुआ काम ऐसे बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। ये जिसने भी आविष्कार किया ना इन इमोजीज का, जापानीज आर्टिस्ट शिगुताका कुरिता। ये कौन है? वही जिसने इमोजी इन्वेंट किया है, मैंने रिसर्च किया है। मतलब वाहियात, फालतू टॉपिक्स पे रिसर्च करने के लिए टाइम है तुम्हारे पास? हाँ आई मीन सीरियसली सीरियसली दिस इज नॉनसेंसिकल। ओ राज क्या हो क्या गया तुम्हें, कितना भड़क रहे हो तब से? दासानी ने आज एक क्लाइंट को थम्स अप की जगह एक गलत इमोजी भेज दिया। कौन सा इमोजी? रे वो For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.